हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक जी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग काली लिनक्स में कोई भी नया यूजर कैसे ऐड कर सकते हैं या कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अपने टर्मिनल पे हम लोग अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप लोग एज ए सुपर यूजर की तरह लॉग इन हो जाइएगा। पहले सुडो su कमांड देकर आप लोग सुपर यूजर की तरह लॉग इन हो सकते हैं। तो मैं लॉग इन हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी यूजर हैं उसका लिस्ट देखेंगे। तो हमें जितने भी यूजर हमारे काले लिनक्स में है उसका जो लिस्ट देखना है तो हमें कमांड देना होगा कट डैश डी कोलन और यहाँ पे डैश एफ वन और जो हमारी डायरेक्टरी है उसमें कितने यूजर है, वो जो डायरेक्टरी हमारी होती है ETC और पासवर्ड होती है, इसके अंदर ही जो हमारे जितने भी यूजर होते हैं उसकी लिस्ट होती है। तो कट डैश डी एफ वन ETC पासवर्ड को हम लोग ओपन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जितने भी यूजर हैं सब लिस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग जो एक मेरा यूजर है सौरभ, उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे रिमूव कर पाएंगे। तो सिंपली उसको रिमूव करने के लिए हम लोग को यहाँ पे कमांड देना होगा यूजर डेल, मतलब इस यूजर को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। यूजर डेल SURABH, जिस भी यूजर को आप डिलीट करना चाहते हैं। मेरे केस में मैं सौरभ जो है हमारा यूजर नेम है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो आप सिंपली बस यूजर डेल टाइप करेंगे और यहाँ पे अभी हम लोग को जो है यूजर डेल हमने टाइप कर दिया। यहाँ पे आप लोग एक कमांड और दे सकते थे, यदि आप लोग उसके जो होम डायरेक्टरी में जितने डेटा है उसको भी डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डैश आर देखते फिर उसके बाद सौरभ करते हैं। तो आप लोग जो उसके होम डायरेक्टरी में डेटा है उसे भी डिलीट कर सकते थे, तो मैंने अभी तो डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे नो कमांड फाउंड बताएगा। तो देखिए बोला यूजर सौरभ डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यूजर सौरभ जो है डिलीट हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी फिर से हम लोग जो है लिस्ट चेक कर लेते हैं क्या यूजर सौरभ हमारा है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे फिर से वही कमांड डालेंगे और देखते हैं। तो फ्रेंड्स हाँ, सक्सेसफुली हमने यूजर सौरभ को डिलीट कर दिया है इसमें से। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग डिलीट कर दिए हैं, अब हम लोग नया यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग न्यू है, न्यू यूजर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे कमांड देना होगा फिर यूजर ऐड देने के बाद यहाँ पे डैश देखते हैं और यहाँ पे जिस भी यूजर को आपको क्रिएट करना है, मतलब मेरे केस में मैं फिर से जिस यूजर नेम को डिलीट किया था उसी को क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूजर एड डैश एम सौरभ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दे रहा है कुछ वार्निंग द होम डायरेक्टरी होम सर्वर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर एड नॉट कॉपिंग एनी फाइल फ्रॉम SQL डायरेक्टरी इन टू इट। तो ये जो बता रहा है होम डायरेक्ट्री में, अभी जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि मैंने अपने जो डायरेक्ट्री में होम डायरेक्ट्री थी सौरभ की उसको डिलीट नहीं किया था, इसकी वजह से इरर नहीं ये वार्निंग दे रहा है। तो हमारा जो यूजर है वो तो क्रिएट हो गया होगा। फिर से हम लोग लिस्ट कर लेते हैं तो देखते हैं क्या हमारा जो यूजर है वो क्रिएट हुआ है। तो हाँ फ्रेंड्स, हमारा देखिए यूजर सौरभ क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग इस यूजर को एडमिन का प्रिविलेज देना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कमांड डालेंगे यूजर मोड, तो यूजर मोड डैश ए डैश जी और सुपर यूजर का परमिशन देना चाहते हैं तो sudo और यहाँ पे यूजर का नेम। यहाँ पे फिर इंटर प्रेस करेंगे, हमारा जो हमने जो सौरभ नाम का यूजर बनाया है अभी उसको एडमिन प्रिविलेज यहाँ पे sudo का प्रिविलेज मिल चुका है। और यहाँ पे हमें एक कमांड और देना होगा chsh, ताकि जो हमारी डायरेक्टरी कंप्लीट ना हो, chsh -s और bin। यहाँ पे bin का जो bash फाइल होता है, मतलब बेसिक फाइल जो है उसमें हम लोग इस यूजर की एंट्री कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने chsh -s bin bash और सौरभ को डाल दिया है और हम लोग यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे। तो हमारा जो है अभी जो हमारा यूजर है वो क्रिएट हो गया है, उसको सुपर यूजर प्रिविलेज भी मिल गया है और हमने उसे bin में रजिस्टर भी कर दिया है। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग जैसे ही लॉग आउट होंगे तो आप लोग अपने जो न्यू है यूजर उसमें लॉग इन हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ।